बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने में अब बस एक ही साल का समय बचा है। ऐसे में केंद्र के चुनाव के लिए जहां राष्ट्रीय दल तैयारी में जुट गए हैं, तो वहीं अगर बात क्षेत्रीय दलों की जाए तो चुनाव को लेकर क्षेत्रीय दल भी एक्शन मोड में है। हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव से पहले दल बदल का दौर भी जारी है। सभी पार्टियां अपना अपना कुनबा मजबूत करने में जुटी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी में भी दूसरे दलों के नेता शामिल हुए हैं। इन सबके बीच अब सवाल ये उठता है कि दल बदल के दम पर कोई पार्टी कितना मजबूत हो सकती है और क्या इससे प्रदेश की सियासी समीकरण में कोई बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं। तो 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने हैं और जिसमें बस अब लगभग एक ही साल का समय बचा है। ऐसे में केंद्र सरकार की और विपक्षी दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। साथ ही साथ अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें तो क्षेत्रीय दल भी इन चुनाव में अपनी पूरी जान झोंकने में लगे हुए हैं। चुनाव से पहले दल बदल का दौर भी जारी है। जब बीजेपी अपने विकास कार्यों से जनता को साधने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी इन चुनाव में अपना दम झोंक रही है और अन्य क्षेत्रीय दल भी इन चुनाव में अपना दम भरने के लिए तैयार हैं। इन सब चुनावों के बीच में सियासी पलटवार का भी दौर जारी है। वार पलटवार किया जा रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि मिशन 2024 में डटे सभी सियासी दल पर कब्जा किसका होता है, 2024 में जीत किसकी होती है। तो चुनावों के बीच वार पलटवार का दौर भी जारी है और सभी क्षेत्रीय दल, चाहे बात कांग्रेस पार्टी के करें जहां पहले हमें भारत जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा देखने को मिली, तो वहीं अगर इनेलो की बात करें प्रदेश में तो वहां पर भी परिवर्तन यात्रा निकाली गई और कांग्रेस की तरफ से, इनेलो की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अपने विकास कार्यों से जनता को साधने की कवायद की जा रही है। जहां हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो तैयारियों में कांग्रेस भी जुटी हुई नजर आ रही है और दल बदल का दौर भी शुरू है। सभी पार्टियां अपना कुनबा मजबूत करने में लगी हुई हैं। तो 2024 के चुनाव अब नजदीक हैं और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटकर जनता को साधने की कोशिश की जा रही है, जहां प्रदेश को कई सौगात भी मिली है और इन्हीं सब के बीच 2024 को चुनाव होने वाले हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ा हुआ है, आपका मैं परिचय करवा देती हूं। बीजेपी से हमारे साथ प्रवीण अत्रे जी जुड़े हुए हैं जो कि प्रवक्ता हैं, टीना कर्मवीर जुड़ी हुई हैं कांग्रेस से और कृष्ण कुटिल जुड़े हुए हैं इनेलो से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रवीण अत्रे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। 2024 के चुनाव अब काफी नजदीक आ चुके हैं, ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो किस तरह से समीकरण बन रहा है और क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं बीजेपी की ओर से? देखिए, ऐसा है दीपिका जी के समीकरण तो जब चुनाव बिल्कुल नजदीक होता है तो उस वक्त समीकरणों का विश्लेषण किया जाता है, लेकिन हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले 8.5 साल से, देखिए पिछले 8.5 साल का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पहले 5 साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हरियाणा के अंदर विकास कार्य किए, जिस तरह की योजनाएं हरियाणा की जनता के लिए लेके आए, नतीजा ये हुआ कि जब उन विकास कार्यों, उन योजनाओं को लेकर 2019 में हम विधानसभा चुनाव में जनता के बीच में गए, हमने अपने जो काम हमने किए थे उसके बारे में जनता को बताया, तो जनता ने हमें 2014 के मुकाबले 3.5% ज्यादा मत दे के 2019 में दोबारा सत्ता सौंपी। मतलब पिछले 5 साल का हिसाब तो जनता को हम दे चुके हैं। अब 3.5 साल के लगभग मुख्यमंत्री महोदय को हो गए हैं दूसरे कार्यकाल के,
और जो जनता के विकास के लिए योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश में बनाई हैं, उन योजनाओं का लाभ क्या पात्र व्यक्ति तक पहुंच रहा है? किसी तरह की कोई परेशानी या कोई ऐसे विकास कार्य जिसकी गति प्रॉपर तेजी से नहीं है उसको तेज किया जाए, इन सब विषयों को लेकर भी माननीय मुख्यमंत्री जी 2 अप्रैल से हरियाणा के गांव-गांव में जाके जनता से सीधा संवाद करेंगे, डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे लोगों के साथ, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ। और हमारा प्रयास ये है कि जो विकास कार्य जो योजना जनता में सरकार ने बनाई है उन योजनाओं का क्रियान्वयन, उन योजनाओं की पहुंच आम आदमी तक स्पष्ट रूप में हो। हालांकि इसके लिए बाकायदा अंडर सिंगल रूफ 537 के करीब हरियाणा सरकार की योजनाओं को अटल सेवा केंद्रों के जरिए हरियाणा की जनता उसका लाभ प्राप्त कर सके, लाभ प्राप्त कर भी रही है। तो इस तरह के जो विकास के काम हो रहे हैं उन विकास के कार्यों को लेके ही हम जनता के बीच में जाएंगे चुनाव के लिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में किया, क्योंकि 2014 से पहले दीपिका जी आपको याद होगा हरियाणा के अंदर भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद का बोलबाला था, नौकरियों के मामले में बंदरबांट होती थी, पर्ची खर्ची चलती थी और जिस तरह के हालात व्यवस्था के थे संरक्षण के अंदर अपराधी जेल में बैठ के अपराध को अंजाम दे देते थे। तो इस व्यवस्था को जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बदला तो हरियाणा की जनता को वो राहत मिली जिसकी जरूरत हरियाणा की जनता को 1966 में थी। और जिस तरह से किसान भाइयों के लिए सरकार ने काम किया, विशेष तौर पर मुआवजे का जिक्र करूंगा, इस सरकार ने लगभग 10,000 करोड़ रुपया चाहे वो आपदा प्रबंधन के जरिए हो चाहे फसल बीमा योजना के जरिए हो किसान भाइयों को मुआवजे की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी है। मैं तो ये कहूंगा कि 1966 में लेके 2000 सबके मुआवजे का अगर टोटल भी कर लिया जाए तब भी सरकार के मुआवजे के बराबर नहीं बैठता। जिस तरह से किसान भाइयों को मेरा पानी मेरी विरासत जैसी योजना लेके आए, मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक ऐसी योजना लेके आए जिसके जरिए किसान की फसल का एक एक दाना एमएसपी पे खरीदा जाए, और वही सरकार ने करके दिखाया। केंद्र 2 फसलें खरीदती है, धान और गेहूं, उसके अलावा 14 फसलें हरियाणा सरकार ने हरियाणा के किसान की एमएसपी पे खरीदनी शुरू की। चाहे बाजरा की बात करें, सरसों की बात करें, सूरजमुखी, मूंग, और एक भावांतर भरपाई योजना लाके किसान की खेती को जोखिम फ्री सरकार ने किया। पहले दिखता भी अक्सर सुनते थे कि किसान अपना आलू सड़क पे फेंकने को मजबूर हो गया, किसान अपना टमाटर सड़क फेंकने में मजबूर हो गया। आज हम देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं हमें हरियाणा में देखने को नहीं मिलती। उसका बहुत बड़ा कारण है भावांतर भरपाई योजना, जिसके जरिए अगर किसान की सब्जी मार्केट में कम दाम पे मान लीजिए बिक रही है तो उसका जो गैप है वो हरियाणा सरकार पे करती है। नतीजा ये हुआ कि हरियाणा के किसान की खेती को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरी तरह से जोखिम फ्री कर दिया। कानून व्यवस्था की बात करें, हमारे ऐसे हालात हरियाणा में देखे हैं। मैं एनसीआरबी की रिपोर्ट का जिक्र करूंगा, 2004 से लेकर 2014 तक एनसीआरबी की रिपोर्ट अगर आप उठा के देखेंगे तो महिलाओं के प्रति अपराध में 174% की वृद्धि, ओवरऑल क्राइम में 555% की वृद्धि, ऐसी परिस्थिति हमने इस हरियाणा प्रदेश में देखी है। लेकिन आज हालात ये है कि कानून व्यवस्था के ऊपर जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने काम किया, जिस तरह से संक्षिप्त क्राइम की कमर तोड़ने के लिए विधानसभा में कानून ले गया, जिसके एक और हैरानी की बात है, इस प्रदेश में पहली बार इस विधानसभा सत्र में देखने को मिला कि सरकार संक्षिप्त क्राइम को कमर तोड़ने के लिए कानून लेके आती है और कांग्रेस के विधायक उसका विरोध करते हैं, ये भी देखने को पहली बार मिला। तो इससे पता लगता है कि कांग्रेस का असली चेहरा क्या है। कांग्रेस नहीं चाहती कि संक्षिप्त क्राइम के ऊपर चोट की जाए, इसलिए उन्होंने उस कानून का विरोध करना शुरू किया। ठीक है प्रवीण जी, लौटूंगी मैं आपके पास। जी मैं लौटूंगी आपके पास। टीना जी आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले तैयारियों की बात करें, कांग्रेस की तरफ से 2024 को लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही? जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं पहले ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से प्रवीण अत्रे जी ने एक बहुत बड़ा लेक्चर जो दिया है अभी, पूरा रटा रटाया, ये भूल गए परिवारवाद पर बोल रहे थे, बांसुरी स्वराज कौन है, है ना, जय शाह कौन है, ये परिवारवाद की बात करते हैं। बड़ी हंसी आ रही है इनको सुनते हुए, इतने सीनियर लीडर है ये, इनको तो नहीं बोलनी चाहिए कम से कम परिवारवाद पर। अनुराग ठाकुर कौन है, अनुराग ठाकुर कौन है श्रीमान? तो मैं उस पर नहीं जाना चाहती हूँ। जिस तरीके से आप एक जो लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे, आप बीच में मत बोलिए, आप बहुत बोल रहे थे। आपको ये बताइए, होली के समय आप देखिए कि 50 रुपए एक, वैसे ही एक आपकी केंद्रीय मंत्री
400 का सिलेंडर होता था जब तो वो चूड़ियां भेजती थी देश के प्रधानमंत्री को उस समय, आज वो मुंह बंद करके क्यों बैठी है? उस पर कौन बोलेगा? उस पर कोई नहीं बोलता है। जब तो अब तो बिल्कुल जब उनकी बेटी की बारी आई जब वो फटाफट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई, अब क्यों नहीं आ रही है कि सिलेंडर के भाव इतने ज्यादा हो गए हैं, आप तो उज्ज्वला योजना लेकर आए थे, अब तो उज्ज्वला योजना बहुत अच्छी स्कीम थी, क्यों नहीं रिफिल करवा पा रहे महिलाओं के गैस सिलेंडर को? क्यों चुप्पी साधे हुए? आप तो कह रहे थे कि हरियाणा के अंदर हर नल के अंदर पानी आएगा, तो वो पानी क्यों नहीं पहुंचा है? आपके मंत्री क्या कर रहे हैं? आपके पास जवाब नहीं, आप डाटा की बात कर रहे हो, कमाल कर रहे हो। आपके पास डाटा किस तरीके का है? मुझे लग रहा है सारा फेक फर्जी डाटा है, जिस तरीके की आपकी आईटी सेल फेक फर्जी वीडियोस बना बनाकर पोस्ट करती रहती है जनता को गुमराह करने का। तो ये जो 2024 जब आने वाला है, इसमें ये क्यों बुखला रहे हैं? ये डरे हुए हैं अभी इस समय, क्योंकि अब इनको पता है कि इनका खेल खत्म हो गया। जिस तरीके से इन्होंने राहुल जी की सदस्यता को खत्म किया, जिस तरीके से उनका घर खाली किया गया, कितने जनता को अब समझ में आया है कि हाँ ये किस तरीके की तानाशाही सरकार है, किस तरीके से ये काम कर रही है। हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए, किस तरीके से खट्टर साहब जो कहते हैं कि नहीं भाई हम तो एक ऐसी सरकार लेकर आए थे जो भ्रष्टाचार मुक्त है। भैया जी, अगर कांग्रेस की तैयारियों की मैं बात करूं तो किस तरह की तैयारियां की जा रही है 24 के लिए? देखिए हम लोग जो है, हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, हाथ से हाथ जोड़ जो अभियान चलाया गया है उसमें हम इनकी सारी नीतियां, जिस तरीके से प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है, हम जनता के बीच जाकर बता रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने इनकी नीतियों के कारण, आज ही अपनी नीतियों के कारण असफल है। ठीक है, इनको मैंडेट अच्छा मिल जाता है, लेकिन आप ये देखिए कि इनकी नीतियों के कारण आज जनता त्रस्त है, जनता इनके आगे हाथ जोड़ रही है कि हमें हमारे पुराने दिन लौटा दीजिए, हमें नहीं चाहिए आपके अच्छे दिन, हम अच्छे दिन से थक गए हैं, हम तंग आ गए हैं आपके अच्छे दिन से, क्योंकि आपने अच्छे दिन के नाम पर जो हमें झुंझुना पकड़ाया था, आज हमारी जेबें खाली हैं, हम अन्न के लिए तरस रहे हैं। तो ये जो इनकी नीतियां थी, इन खराब नीतियों की वजह से ही आज जो है प्रदेश की जनता, आप प्रदेश पर कर्ज कितना बढ़ा हुआ है उस पर कभी बात नहीं करते, 32 लाख करोड़ के करीब इनका कर्ज बढ़ा दिया है, लेकिन ये कर्ज पर कभी बात नहीं करते। ये तो सिर्फ डाटा लेके आएंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ये कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, आपके देश के प्रधानमंत्री जब प्राची लाल किला से भाषण दे रहे थे महिलाओं के सम्मान के लिए, वहीं गुजरात के अंदर ब्रिटिश बांधों पर वो उल्टा उनके आरोपियों को छोड़ रहे थे। तो आप लोगों की कार्यप्रणाली कथनी और करनी में भेद देखिए कितना है, इतना भेद है कि सोचने पर लोग मजबूर हो जाएंगे। और होंगे आपके पास इस बार इनको उखाड़ फेंकेंगे, इनको नहीं रखेंगे अभी 2024 में कांग्रेस की वापसी है। जी ठीक है, कृष्ण कुटिल जी आपके पास आना चाहूंगी, किस तरह से तैयारियां चल रही है इनेलो की तरफ से? कृष्ण जी आपको आवाज आ रही है मेरी, सुन पा रहे हैं? कृष्ण जी आवाज सुन पा रहे हैं? इनेलो की बात करूं तो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? मुझे लगता है आवाज नहीं आ रही है उन तक। प्रवीण जी आपसे पूछना चाहूंगी मैं, जिस तरह से दल बदल का दौर भी जारी है 2024 के चुनाव से पहले, इसी पे कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका बयान सामने आया है चौधरी उदयभान जी का कि सियासी मौसम बदल चुका है और कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही है, अब आंधी का रूप ले रही है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैं जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब बाद में देता हूँ, पहले मैं सीना जी की बातों का जवाब दूंगा। देखिए सीना जी छोटी बहन की तरह है मेरी, उन्हें लिखिए अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ, लेकिन मैंने तो अभी परिवारवाद का एक लाइन भी नहीं बोली, मैंने तो जिक्र भी नहीं किया। बोली है भाई जवाब नहीं करते हमारी सरकार, परिवार से बोला आपने, आप अपनी बातों से पलट रहे हैं। अरे मैं सीना जी, मैंने भाई भतीजावाद बोला, परिवारवाद नहीं बोला, अब बोलूंगा, अब सुन लीजिए। परिवारवाद क्या होता है दीपिका जी, ये समझना पड़ेगा। जब किसी व्यक्ति के जन्म से ही ये स्थापित हो जाए कि यही व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष बनेगा या यही व्यक्ति प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनेगा, वो है परिवारवाद। राहुल गांधी जी की सदस्यता का जिक्र किया टीना जी ने, देखिए राहुल गांधी जी की सदस्यता को खत्म हुई एक कानून की वजह से, जो कानून कांग्रेस द्वारा ही बनाया गया है, और एक कोर्ट ने जब सजा दी 2 साल की, और उस कानून में प्रावधान है कि जैसी सजा डिक्लेयर होगी सदस्यता अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन कांग्रेसी मित्र इस तरह से कोर्ट के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, एक्चुअली कांग्रेसियों का कसूर नहीं, ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है गांधी परिवार के लिए। इनको लगता है कि गांधी परिवार देश से बड़ा है, गांधी परिवार कानून से बड़ा है, गांधी परिवार संविधान से बड़ा है। और ये बात तो प्रमोद तिवारी इनके राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने धरने के समय कह दी कि कोर्ट को राहुल गांधी के लिए इस तरह का निर्णय नहीं देना चाहिए, उनके लिए कुछ अलग सोचना चाहिए था। क्यों भाई, क्या वो देश से और कानून से बड़े हैं कि उनके लिए अलग से सोचना चाहिए था?
जब आम आदमी हिंदुस्तान का हर वासी जो है वो इस संविधान के तहत आता है, सबके समान कानून लागू होता है, तो राहुल गांधी अलग क्यों? ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, आपके मंत्रियों पर लागू नहीं होता है क्या? आपके मंत्रियों पर लागू नहीं होता? आपके मंत्री कैसे प्रधानमंत्री बोल रहा है? सुपर्ण का सोचिए, देश का प्रधानमंत्री पर लागू नहीं होता, वो क्या बोल रहे हैं? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल रहे हैं, विधवा बोल रहे हैं, कांग्रेस जर्स की गाय बोल रहे हैं, उनके ऊपर लागू नहीं होता? देश का प्रधानमंत्री, कमाल कर रहे हो, कमाल बात है भाई। देखिए, देश के प्रधानमंत्री की मरने की कामना आप कब्र कर चुके, उसकी कब्र खोदने की कामना आप कर चुके, जब वो मुख्यमंत्री थे लगातार षड्यंत्र रख के उनके उनको दिल पहुंचाने के। दीदी ओ दीदी, कौन बोल रहा था? किसी देश की किसी राज्य की मुख्यमंत्री के लिए कौन बोल रहा था? देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे, उनके अपने लफ्जों पर शब्दों पर कमाल नहीं है। आपने देश के प्रधानमंत्री के लिए जितने आप शब्द कहे, मुझे लगता है कि डिक्शनरी में भी इतने शब्द नहीं होंगे। फिर ये कहते हैं कि ठीक है, प्रवीण जी आपके पास लौट कराऊंगे। कृष्ण जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? मेरी आवाज पहुंच पा रही है जी? अगर इनेलो की मैं बात करूं तो किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? देखिए दीपिका जी, आज बात हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमें देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो तानाशाही रवैया जो है कि वो अपना रही है, और लोकतंत्र का जो है कि वो गला घोटने का काम जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो है कि वो किया जा रहा है, ये सबके सामने जनता देख रही है। दूसरा, भाई प्रवीण अथरे जी ने जो है कि अपनी उपलब्धि जो है कि इस जो सरकार की पिछले 3.5 साल जो है कि सरकार को हुए हैं, और पिछले 5 साल सरकार जो है कि चली, और 8.5 वर्ष जो है कि इन्होंने हरियाणा और देश की सत्ता को अपने हाथ के अंदर लिया है, लेकिन अभी तक ये किसी भी जो है कि मामले के ऊपर जो है कि पूरी पूर्ण रूप से जो है गारंटी नहीं दे पाए, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे युवाओं का मामला हो, चाहे वो फैमिली आईडी का और राशन कार्ड का मामला हो, लेकिन इनकी जो स्थिति है वो नकर पटर स्थिति है। तभी ये जो है कि डिजिटल इंडिया का नाम लेकर के देखिए जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। कृष्ण जी, आज का जो मुद्दा रखा गया है वो 2024 की तैयारियों को लेकर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी ही रहेगा, लेकिन अगर मैं तैयारियों की बात करूं तो इनेलो की अगर किस तरह की तैयारियां चल रही है 2024 को लेकर? पार्टियां देखो दीपिका जी, हर एक पार्टी जो है कि वो चुनाव के लिए क्या रहती है, राष्ट्रवाद इंडियन नेशनल पार्टी का, और इंडियन नेशनल पार्टी जो है कि वो हर समय जो है कि वो तैयार है, और जवाब देने के लिए भी तैयार है, चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है। और आगे चौधरी अजय सिंह चौटाला जी जो है कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि जो कारगुजारी भारतीय जनता पार्टी की जो कारगुजारी है उसको अवगत कराने के लिए जो है कि वो जनता के बीच में है, और 4500 किलोमीटर जो है कि वो 7 महीने के अंदर जो है कि नापने का काम करेंगे, और राष्ट्र के अंदर क्षेत्र के अंदर जगतराव देवीलाल जी की जयंती के ऊपर जो है कि एक बड़ी रैली कर जो है कि वो पूरा संदेश देने का काम करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो स्थिति भारत देश की है और प्रदेश की है, तो विपक्ष को एकजुट होना अति आवश्यक है, अन्यथा जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कि आज जो है कि लोकतंत्र को खत्म करने पर उतारू है, संविधान को जो है वो खत्म करने पर जो है कि उतारू है। मैं प्रवीण अत्रे जी से पूछना चाहूंगा, जो राहुल गांधी जी का जो मामला है, और राहुल गांधी जी के मामले के अंदर है तो आपके 112 के करीब जो सांसद इस संसद के अंदर ऐसे हैं जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के जो लोग हैं, और आपकी सरकार के अंदर जो है कि 10 से 11 सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर जो है कि वो हत्या तक के जो है कि वो केस है, तो ये कारपियों कामों के ऊपर नहीं है। लेकिन आज जो है कि बड़ा तत्परता के साथ रात में जो राहुल गांधी जी के विरोध के अंदर जो ये करके दिखाया है, तो ये जो है कि लोकतंत्र की हत्या जैसा हम लोगों को जो है कि वो लगता है। ठीक है प्रवीण जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से अभी जिक्र किया इनेलो की तरफ से भी परिवर्तन यात्रा का जिक्र किया जा रहा है, भारत जोड़ो यात्रा भी कांग्रेस की तरफ से निकाली गई, क्या आपको लगता है कि प्रदेश में इसका कुछ असर देखने को मिलेगा? जोड़ो यात्रा और हाथ से आज अभियान का जिक्र कर लेते हैं। 26 दिसंबर की तारीख निश्चित की थी कांग्रेस ने कि वो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करेंगे, लेकिन हरियाणा के अंदर आपने इसकी रिपोर्टिंग की थी कांग्रेस शुरू नहीं कर सकी। आज भी हालात ये है कि हरियाणा के अंदर हाथ को हाथ जोड़ो अभियान अधिकतर क्षेत्रों में कांग्रेस का नहीं हुआ। जिस पार्टी के पास संगठन तक नहीं है, जिस पार्टी के पास जिला अध्यक्ष नहीं है, जिस पार्टी के पास ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है, वो पार्टी किस तरह से ये सोच सकती है कि वो किसी अभियान को या किसी प्रोग्राम को प्रदेश में कर सकती है या वो चुनाव के अंदर जाके चुनाव जीत सकती है? मैं दोनों मित्रों से एक सवाल पूछना चाहता हूं,
कि हरियाणा के अंदर सत्ता के अंदर लंबे समय आप लोग रहे, हरियाणा की जनता ने आपकी सरकार को देखा, आपने सरकार के अंदर जो काम किए थे उनको देखा, और उनसे दुखी होकर हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी, और एक बार नहीं लगातार दूसरी बार। आप किस मुंह से जाओगे जनता के बीच में, क्या कहोगे जनता के बीच में जाके कि भाई हम जिस वक्त सत्ता में थे हमने हरियाणा के कमजोर वर्ग को, शोषित समाज को, पिछड़े समाज को इस तरह से दबा के रखा कि वो बेचारा भूख तक नहीं सकता। जब हम सत्ता में थे तो हमने नौकरियों की बंदरबांट इस तरह से की कि अपने चहेतों को नौकरियां बांट दी, आम हरियाणवी युवा बेचारा नौकरी के इंतजार में बैठा रह गया। जब हम सत्ता में थे हमने किसानों की जमीनें सीएलयू के नाम पे हड़प ली थी, 70,000 एकड़ की लैंड सीएलयू के नाम पे हमने मिलरों को दे दी थी। जब हम सत्ता में थे तो हमारे समय में जो गैंगस्टर है वो जेल से बैठ के अपनी हरकतों को अंजाम देते थे। जब हम सत्ता में थे हालात ये हुए कि हरियाणा में 102 एचसीएस लग रहे थे, जिसमें से 60 एचसीएस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रिश्तेदार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी सीएम ऑफिस के अधिकारियों के बच्चे लगे। जब हम सत्ता में थे तो हरियाणा का एक वर्ग ऐसा था जिस बेचारे को वोट तक नहीं डालने दिया जाता था, डरा के उसको वोट बूथ तक नहीं पहुंचने दिया जाता। क्या ये बातें लेके आप जनता के बीच में जाएंगे? जनता को ये सब कुछ देख चुकी है, इसमें होके तो जनता ने आपको सत्ता से बाहर किया है। और फिर क्या आप जाके जनता में दोबारा वही बात करेंगे कि मैं जाट पहले हूँ मुख्यमंत्री बाद में, जाते कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री रहते हुए बोला था, यही शब्द जो है अभय सिंह चौटाला जी ने बोले थे जसिया में। तो आप जनता के बीच में जाके कहेंगे देखिए हम जातिवाद के बहुत बड़े पुरोधा है और हम जातिवाद की राजनीति करते हैं, क्योंकि आप सार्वजनिक मंचों की बातें बोल चुके। टीना जी आपके पास आना चाहूंगी, यही सवाल आपसे भी मैं करना चाहूंगी कि जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से निकाली गई है भारत जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, क्या इसका असर प्रदेश में देखने को मिलेगा? बहुत संक्षेप में अपनी बात रखिए। जी पहले मैं प्रवीण अत्रे जी को क्लियर कर दूं कि सिर्फ हमारे नेताओं ने नहीं बोला, देश का प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी घोषित कर चुका है, तो आपकी जानकारी थोड़ी दुरुस्त कर देती हूँ। दूसरी बात, देश का प्रधानमंत्री ऐसे बोलता है जाति पर, तब तो आप बड़े गर्व से सीना चौड़ा करके कहते हैं कि अच्छा वो सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आप कह रहे हैं आप ये बताइए, आप डीसी रोड पे डीसी रेट पे नौकरियां दे रहे हैं, आपने शिक्षा का निजीकरण कर दिया, आपने आप ही के राज में, आप ही के शासन में 750 किसानों ने शहादतें दी हैं। आप बोल रहे हैं युवा जो है वो सड़कों पर है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ठीक है पर्ची खर्चिया जो भी कुछ आप बोलते हैं मान लिया, लेकिन आपके समय में क्या हो रहा है? आपके समय में अगर कोई व्यक्ति के पास आरएसएस की मेंबरशिप नहीं है, बीजेपी की मेंबरशिप नहीं है, आप नौकरियां नहीं देते हैं। आप पहले ये जांचते हैं कि वो किस पार्टी से है, ये आपके समय में हो रहा है। आप प्रोग्रेसिव कहलाते हैं अपने आप को, आपकी पार्टी की जानकारी बता दूं थोड़ी, आपको और भी हैरानी होगी जिस तरीके से आप देखिए कि कोई पीएचडी छात्र है वो क्या कर रहा है, वो क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहा है। कितनी शर्म की बात है कि आपने शिक्षा का निजीकरण के साथ साथ आपने रोज जो एक सरकारी नौकरी है उसकी टर्म उसी ही डेफिनेशन को बदल दिया। ठीक है टीना जी, आप विकास की बात कर रहे हैं क्योंकि समय की कमी है, इसलिए कृष्ण पटेल जी फाइनल कमेंट आपका चाहिए मुझे, 10 सेकंड का समय है, संक्षेप में अपनी बात रखिए। अभी यहाँ पर देखिए तो जातियों में बांटने की जो एक ही बात हो रही थी, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि आज इस हरियाणा प्रदेश के अंदर धानक सम्मेलन हो रहा है, रुद्रक्षा समाज सम्मेलन हो रहा है, कश्यप समाज सम्मेलन हो रहा है, ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, ये कौन कर रहा है? जातियों के अंदर कौन बांट रहा है? तो लेकिन आप पहले अपने अंदर जा करके देखिए, तब दूसरों के बारे में देखिए आप कह सकते हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से जो कि हमारा जो बुजुर्गों का समाज चौधरी देवीलाल जी ने जो दिया पेंशन जो उनकी बनाई है और जो देश के अंदर लागू किया गया, और आप लोग जो है कि बुढ़ापा पेंशन डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल सरकार जब 2024 के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार होगी तो 11,000 से बुढ़ापा पेंशन देने का काम इंडियन नेशनल लोकदल सरकार करेगी। आज जो युवाओं से आपने रोजगार छीनने का जो काम किया है, इंडियन नेशनल पीपुल पार्टी जो है कि युवाओं को रोजगार देगी, आपसे युवाओं को रोजगार नहीं मिला तो समय का अभाव है, इसलिए मुझे इस चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा। कृष्ण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, टीना जी और प्रवीण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो जिस तरह से मिशन 2024 को लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, दल बदल का दौर भी जारी है, इसी बीच वार पलटवार भी चल रहा है, लेकिन अब देखने वाली ये बात ये होगी कि आखिर जनता 2024 में किसके सर पे ताज सजाने जा रही है। चलिए फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रही हमारे साथ, नमस्कार।